हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड इज़ लाइफ। आई एम उस्मा हेयर। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कंडेंस मिल्क की रेसिपी। आज हम बनाएंगे होममेड कंडेंस मिल्क। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ सबसे पहले जो है वो पैन में हमने 2 कप दूध लिया है और उसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कोई लंग्स बाकी नहीं रहना चाहिए। मिल्क पाउडर से एक तो जल्दी जो दूध है वो थिक हो जाता है और दूसरा इसका कलर अच्छा आ जाता है, बिल्कुल बाजार जैसा। यहाँ हम 1 कप जो है वो चीनी डाल रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दूध को हल्की आंच पर पकते रहने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ का जो दूध है आप देख सकते हैं, आप इसका कलर चेंज हो गया है और वह थिक होना शुरू हो गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर तकरीबन दूध जो है हमारा आधा रह गया है और वो काफ़ी हद तक थिक हो गया है। मैं इसमें 1/2 चम्मच जो है वो घी डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक पकाएंगे, देन हमारा कंडेंस मिल्क बनके रेडी हो चुका है। कंडेंस मिल्क डालने से ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, आप इसको जितने अरसे तक चाहो सेव कर सकते हो। यहाँ पर देखें जी, बिल्कुल बाजार जैसा बन के हमारा कंडेंस मिल्क रेडी हो चुके हैं। आप इसको मिठाई में, मुख्तलिफ मीठों में यूज़ कर सकते हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।